तो शिवम भाई, आप अपना अर्निंग का थोड़ा खुलासा करिए, क्योंकि ऑडियंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके वीडियोस को वॉच करती है, एंड इसी पार्ट का ज़्यादातर ऑडियंस वेट भी करती है कि आप कितना पैसा बना रहे हो मूवी क्लिप्स को अपलोड करके। बिल्कुल भाई, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ कि मेरे 15 पेज हैं जिनमें से मेरे 3 पेज मोनेटाइज हैं, तो मैं आपको अपनी अर्निंग यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल शो कर देता हूँ। तो जैसा क्या है कि मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो कॉपी पेस्ट करने में मैंने बताया कि अभी के टाइम में फेसबुक के काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वो अब कॉपी पेस्ट करके अर्निंग नहीं कर सकते हैं। ओके शिवम भाई, अब हम लोग बात करते हैं मूवी क्लिप्स को हम लोग वायरल कैसे करें, क्योंकि जो भी ऑडियंस काम करती है तो उनका सबसे बड़ा दिक्कत और प्रॉब्लम यही रहता है कि उनकी वीडियोज ही वायरल नहीं होती है। तो आप अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हो? बिल्कुल भाई, जैसा कि ऑडियंस के मन में डाउट रहता है कि हम यहाँ पर पेज बना लिए, हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करें, लेकिन व्यूज़ कहाँ से लाएं? क्योंकि यार देखा जाए तो व्यूज तो आ जाते हैं, बट फॉलोअर्स का क्राइटेरिया बहुत लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ टिप्स बताओ शानदार, तो यार मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए। ओके शिवम भाई, अब हम बात करते हैं कि हम लोग कॉपीराइट और जो भी ये पेज रिस्ट्रिक्टेड होता है या फिर जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आता है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और YT ज्ञान के एक और इस नए धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, ये दोस्तों फेसबुक पेज के ऊपर मूवी क्लिप्स को अपलोड करते हैं, एंड दोस्तों मूवी क्लिप्स को अपलोड करके अभी के टाइम में काफी ज्यादा तगड़ी अर्निंग भी कर रहे हैं। एंड आज के इस वीडियो में सारी चीजें, सारा डैशबोर्ड आपको लाइव रिफ्रेश करके दिखाएंगे। एंड यार, आप में से जिनके भी मन में था ना कि यार अपडेट के बाद हम लोग मूवी क्लिप्स को अपलोड नहीं कर सकते, तो आज का ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर से देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आपको मूवी क्लिप का पूरा फंडा जानने को मिलेगा कि आप लोग अपडेट आने के बाद भी मूवी क्लिप्स को अपलोड करके अर्निंग कैसे कर सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, इनका नाम है शिवम, एंड शिवम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू अभिषेक भाई, अपने चैनल में मुझको इनवाइट करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। तो शिवम भाई, सबसे पहले आपका एक इंट्रो हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। तो भाई, मेरा नाम शिवम है, जैसे आपने बताया मेरा नाम शिवम है, और मैं अभी फिलहाल प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, मतलब प्रयागराज में रहता हूँ, और मैं पिछले 2 साल से फेसबुक में काम कर रहा हूँ, फेसबुक के एल्गोरिदम को समझ रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैंने अपने 15 पेज ग्रो किए हैं, जिनमें से मेरे 3 अभी मोनेटाइज पेज चल रहे हैं जिनसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ। ओके, तो भाई आप 2 साल से फेसबुक पे लगे हुए हो। जी जी। तो शिवम भाई, थोड़ा ना फेसबुक का ऐसे जर्नी शेयर करिए, क्योंकि आपके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस है पहले के फेसबुक के अर्निंग में, या फिर फेसबुक के जो भी वीडियोस के वायरल होने का जो भी चांसेस रहता था उसमें और अब में क्या डिफरेंस है? भाई पहले क्या होता था कि पहले आप किसी भी तरह से बिना एडिट के भी आप वीडियो डाल देते थे, पहले जनता भी अवेयर नहीं रहती थी, जो क्रिएटर रहते थे, तो इस हिसाब से बहुत से लोग कॉपी पेस्ट करके अर्निंग कर लेते थे। लेकिन इस टाइम क्या है कि आप अगर अच्छे से एडिटिंग नहीं करते हैं, आप अगर वॉइस ओवर, लोगो, या फिर आप कलर ग्रेडिंग नहीं करते हैं, या फिर टाइमिंग का ध्यान नहीं देते हैं जो आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आपको देखने को मिल सकता है, आपको अनयूजुअल एक्टिविटी के जरिए आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओके, और पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी? नहीं, पहले थी, लेकिन पहले इतने क्रिएटर नहीं थे जो अपने फेसबुक पेज को अपने पेज को फेसबुक में बनाए थे, पहले सब यूट्यूब में ही ध्यान देते थे। लेकिन इस टाइम काफ़ी ऑडियंस यहाँ पर अवेयर हो चुकी है कि मतलब फेसबुक से भी अर्निंग हो रही, तो जितने यूट्यूबर अपने फेसबुक में भी पेज बनाना शुरू कर दिए, तो इस हिसाब से अब कॉन्टेंट भी मैच होने लगे हैं, तो अब यहाँ पर कॉपी पेस्ट में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवम भाई, अभी के टाइम में आपके कितने करेंट पेजेस, कितने अभी करेंट टाइम में? तो भाई इस टाइम मेरे तो 15 पेजेस हैं, मैं हालांकि बात करूं तो 2 साल पहले मेरे तो 4-5 पेज रहा करते थे मेन, जो मेरे पहले पेज थे वो गलतियों की वजह से यहाँ पर टेक डाउन हो चुके हैं। तो 15 पेज में से अभी तक मेरे 3 पेज मोनेटाइज हैं जिनसे मेरी अर्निंग हो रही है, बाकी पेज में अभी मेरा काम चल रहा है। तो दोस्तों, अभी हम लोग शिवम भाई की गलतियों के बारे में बात करेंगे, भाई ने ऐसे क्या गलतियां की जिसकी वजह से भाई के सारे पेजेस बैन हो गए या फिर रिस्ट्रिक्टेड हो गए, और वो गलती आपको भाई नहीं करना है। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई कैसा कंटेंट अपलोड करते हैं, कहां से कंटेंट को उठाते हैं, और किस तरीके से मूवी क्लिप्स को अपलोड करके ये अभी के टाइम में अर्निंग कर रहे हैं। तो शिवम भाई, थोड़ा खुलासा करिए, आप कहाँ से कंटेंट उठाते हैं और किस टाइप के कंटेंट आप डाल रहे हो अपने पेजेस के ऊपर? तो भाई, जैसे आप YouTube में देखते हो कि आज जैसे कोई नई मूवी रिलीज होती है, तो क्या होता है कि उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन शाम को कुछ जो चैनल होते हैं वो उन मूवी को अपलोड करने लगते हैं। और आपने अगर नोटिस किया हो कि अभी YouTube में ऐसे चैनल एग्जिस्ट करते हैं जो बॉलीवुड की एग्जैक्ट मूवी को पूरी अपलोड कर देते हैं, और 2-2, 3-3 महीने या 4-4 महीने तक उनके मूवी पड़ी रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी इशू नहीं आता, उनके अच्छे खासे व्यूज आते रहते हैं। तो
तो वो क्या होता है कि वो लाइसेंस लेते हैं इन कंपनियों से जिन कंपनियों के पास मतलब ये मूवी क्लिप होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर उन्हीं मूवी को टारगेट करते हैं जो यहाँ पर कॉपीराइट लाइसेंस वाली होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनमें थोड़ा सा हम कलर ग्रेडिंग करते हैं, इनमें एडिटिंग करते हैं और इनकी टाइमिंग का ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी मूवी हो गई तो यहाँ पर कंटेंट में ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर मुश्किल से 5-5 मिनट की जो बीच बीच की क्लिप होती हैं उनको हम यूज कर लेते हैं। और ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम जो ये YouTube में जो कॉपी पेस्ट करके जो लाइसेंस लेते हैं उनके चैनल का ही हम नाम ज़्यादातर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कंपनियाँ वहाँ से पहुँच भी जाएँ, अगर कंटेंट नमाइज भी हो रहा है तो उनको ऐसा लगे कि ये YouTube से ही मूवी को यूज की जा रही है फेसबुक में उन्हीं के चैनल द्वारा। अच्छा, उनको ऐसा लगे कि ऑफिशियल चैनल है। जी जी। और बहुत से चैनल के फेसबुक पेज नहीं होते हैं, वो अपने यूट्यूब में ही अर्निंग में ध्यान देते हैं लाइसेंस लेकर के, यूट्यूब में ही वो कॉपी पेस्ट करते रहते हैं लाइसेंस लेकर के। ओके। अच्छा शिवम भाई, आप कुछ ऐसे चैनल्स के नाम बताना चाहोगे जहाँ से आप खुद मूवीज को उठाते हो? देखिए, वैसे तो यहाँ पर मूवी के चैनल कई सारे हैं, लेकिन 2-3 मूवी के चैनल जैसे मैं यूज करता हूँ, जैसे मूवी क्लब हो गया, एक मूवी अड्डा नाम से हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे मूवी के जो रहते हैं, लेकिन हमारा कोई फिक्स नहीं रहता कि इसी चैनल से उठाना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये अपने कंटेंट को किसी वजह से डिलीट भी कर देते हैं। अब हो सकता है ये उनसे लाइसेंस ना लिए हों या फिर उनसे कुछ दिक्कतें हों तो ये अपनी मूवी को डिलीट भी कर देते हैं, तो हमें ये भी डर रहता है कि कहीं इन्होंने मूवी डिलीट कर दी, इनको इशू आ गया होगा, तो हमें भी इशू आ सकता है। तो हम यहाँ पर उन्हीं चैनल में ज़्यादा देखते हैं जिनकी 4-5 महीने पहले से मूवी पड़ी हुई हो। तो ऐसे कोई फिक्स हमारा चैनल नहीं है, हम यहाँ पर सर्च करते रहते हैं कि कौन से चैनल में 4-5 महीने पहले मूवी अपलोड है। ओके। तो हमें क्या करना है कि YouTube के ऊपर सर्च करना है मूवी और वहाँ से हमें फाइंड करना है, फिल्टर करना है, वहाँ से हम लोग कंटेंट को उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा शिवम भाई, मूवी को कैसे आप एडिट करते हो, कॉपीराइट से कैसे बचते हो, क्या करते हो उसके लिए आप? भाई, जैसा मैंने बताया कि पहले मैं उस चैनल को नाम रखने की कोशिश करता हूँ कि जैसे उस चैनल का ही नाम हो, ताकि कॉपीराइट मैच ना हो। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि YouTube में उन चैनल के अबाउट में जा करके चेक करता हूँ क्या इनका कोई पेज तो नहीं है। अब हो सकता है कि पेज हो और इन्होंने अपने YouTube में ऐड ना किया हो, तो मैं फिर Facebook में जाता हूँ, उसी नाम को सर्च करता हूँ, चेक करता हूँ क्या इनका कोई पेज है। जब मुझको पता चलता है कि इनका कोई पेज नहीं है तो मैं उन्हीं के YouTube चैनल की जो मूवी होती हैं उनको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर इनमें थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ, जैसे कि इनकी कलर ग्रेडिंग थोड़ा कलर में मैं चेंज कर देता हूँ, इनकी जो साइज होता है, जैसे 1 घंटे की मूवी तो 5-5 मिनट की क्लिप को मैं यूज करता हूँ, तो इस हिसाब से पूरी एडिटिंग करके मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने पेज में। ओके। तो शिवम भाई, आपके कभी पेज के ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू या फिर रिस्ट्रिक्टेड हुआ है कभी आपका पेज इन सब चीज़ों से? बिल्कुल भाई, कॉपीराइट का इशू तो मुझे कई बार आया है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि मेरे 15 पेज है जिनमें सभी मेरे 3 ही पेज मोनेटाइज हो पाए हैं और 4th पेज ही मोनेटाइज है, लेकिन उसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आ चुका है जो कि कंटेंट मैच होने से ही आता है, तो ये इशू का मुझे सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे फिर मुझे क्या होता है कि मुझे इन कंटेंट को डिलीट करके मुझे लाइव आना पड़ता है ताकि फेसबुक के एल्गोरिदम को समझ में आए कि ये मेरा कंटेंट है। तो हाँ, मुझको कॉपीराइट का सामना करना पड़ा है, तो मैं इसे कैसे हैंडल करता हूँ ये भी अच्छे से जानता हूँ, तो इसे मैं इसे हटा भी देता हूँ। ओके। तो दोस्तों, अभी हम लोग अच्छे से पूरे डीप में बात करेंगे कि आप लोग भी कॉपीराइट से या फिर रिस्ट्रिक्टेड होने से पेज को कैसे बचा सकते हो, शिवम भाई अभी आपको बताएंगे। बट उससे पहले शिवम भाई, हम लोग बात करते हैं ऑडियंस के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आप अभी के टाइम में अपने पेजों से मूवी क्लिप्स को अपलोड करके कितने पैसे बना रहे हो? भाई, जैसा कि मूवी क्लिप का हमारा ऑन एवरेज रहता है कि 5,000 व्यूज का $1 ही बन पाता है, तो इस हिसाब से जैसे एक नया अपडेट आया था YouTube का, तो YouTube ने अपने अपडेट में यही प्रमोट किया था कि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर रहेंगे उनकी अर्निंग ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू कॉपी पेस्ट के। लेकिन Facebook ने यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा था कि कॉपी पेस्ट वाले बिल्कुल बैन हो जाएंगे चैनल या फिर वो पेज चलेंगे नहीं, क्योंकि पूरा Facebook यहाँ पर कॉपी पेस्ट में ही चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो 90% जो वहाँ पर यूजर्स हैं, क्रिएटर हैं, वो सभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अगर कॉपी पेस्ट करना बंद कर देंगे तो यहाँ पर यूजर भी उसके घट जाएंगे, कोई Facebook को यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जितने कंटेंट आप मूवी क्लिप देखें, रील देखें, सब यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही यूज किया जा रहा है 10% ओरिजिनल क्रिएटर को छोड़ करके। ओके। तो शिवम भाई, आप अपना अर्निंग का थोड़ा खुलासा करिए, क्योंकि ऑडियंस जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेके वीडियोस को वॉच करती है एंड इसी पार्ट का ज्यादातर ऑडियंस वेट भी करती है कि आप कितना पैसा बना रहे हो मूवी क्लिप्स को अपलोड करके। बिल्कुल भाई, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ कि मेरे 15 पेज है जिनमें से मेरे 3 पेज मोनेटाइज हैं, तो मैं आपको अपनी अर्निंग यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पर बिल्कुल शो कर देता हूँ। तो जैसा क्या है कि मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो कॉपी पेस्ट करने में मैंने बताया कि 5,000 व्यूज में $1 बनते हैं, तो इस हिसाब से मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर जो 3 पेज हैं आपको मैं यहाँ पर शो कर दूंगा इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो पिछले मंथ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि नवंबर से अभी दिसंबर तक की जो अर्निंग मेरा पे आउट रहा है वो $150 के आसपास था, और एक मेरा जो यहाँ पर पे आउट है आप रील्स का देख सकते हैं जिसमें मेरे $600 की यहाँ पर अर्निंग हुई थी, और इसी प्रकार से जो तीसरा पेज है उसमें भी रील्स में डालना शुरू कर दिया हूँ, तो उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखा देता हूँ,
तो आपको भी बिलीव हो पाएगा कि हाँ भाई अभी भी मूवी क्लिप से अर्निंग हो रही है। बस आपको ध्यान ये देना है कि हमें मूवी क्लिप कहाँ से यूज करनी है, कैसे एडिट करनी है, किस टाइप से हमको वहाँ पर अपलोड करनी है। डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल। और दोस्तों सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वैसे यहाँ पर आपने लाइव देखा होगा, एंड यहाँ पर मैं लाइव रिफ्रेश करके सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऐड कर दूंगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो शिवम भाई, अगर सारे पेजों का अगर अर्निंग मिला करके देखा जाए तो ओवरऑल आपका फेसबुक से पर मंथ कितना डॉलर बन जाता है? तो भाई जैसे मैंने अपने पेज 3 बताए, तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए, कम से कम अगर मैं एक ही मूवी को पर डे में अपलोड कर रहा हूँ तो $150 तो आराम से बन जाते हैं। और जैसा मैं आपको एड्स ऑन रील्स दिखाया, हाँ ऐसा होता है कि हम जैसे कोई मूवी को अपलोड कर रहे हैं तो इसमें एक AI सिस्टम आ गया फेसबुक में कि आपकी उसी मूवी का जो लॉन्ग फॉर्म होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में रील्स में भी वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है, उसको आपको ऑन करना पड़ता है। तो हम इसी तरह से काम करते हैं कि हम जो मूवी अपलोड करते हैं उसी का यहाँ पर शॉर्ट क्लिप में वो शॉर्ट भी रील बन जाती है, तो इस हिसाब से हमारी रील से भी अर्निंग हो जाती है और जो लॉन्ग कॉन्टेंट है उससे भी अर्निंग हो जाती है। तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो मेरे $150-$200 रहते हैं अगर मैं बहुत कम काम कर रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा काम किया तो आप समझ लीजिए कि मेरे 3 पेज हैं तो $200-$300 तो कहीं नहीं गए एक पेज से, तो आप समझ सकते हैं कि $600-$700 आराम से इजीली निकल आते हैं मेरे पेज से। ओके, यानी $700-$800 आपका इन स्ट्रीम एड्स और एड्स ऑन रील को मिलाकर के बन जाता है। जी जी बिल्कुल। और दोस्तों यहाँ पर भाई ने अपना एक एड्स ऑन रील का डैशबोर्ड दिखाया जिसमें कि $600-$700 के करीब अर्निंग था। तो एड्स ऑन रील आप लोग कैसे उसको इनेबल कर सकते हो, कैसे एड्स ऑन रील से पैसे बनाए जाते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे चैनल पे आएगा और शिवम भाई उसका पूरा खुलासा करेंगे। क्योंकि भाई एड्स ऑन रील बहुत ही कम ही लोगों को मिलता है, बहुत सारे लोग अपना कंटेंट भी डाल के थक जाते हैं तब भी उनको एड्स ऑन रील इनेबल नहीं हो पाता है। तो उसको आप लोग कैसे इनेबल कर सकते हो और रील्स वगैरह कैसे वायरल होता है उसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो आएगा, आप लोग उसको चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, अगर वीडियो आ चुका होगा तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके शिवम भाई, अब हम लोग बात करते हैं मूवी क्लिप्स को हम लोग वायरल कैसे करें, क्योंकि जो भी ऑडियंस काम करती है तो उनका सबसे बड़ा दिक्कत और प्रॉब्लम यही रहता है कि उनकी वीडियोज ही वायरल नहीं होती है। तो आप अपनी वीडियोज को वायरल करने के लिए क्या क्या चीजें करते हो? बिल्कुल भाई, जैसा कि ऑडियंस के मन में डाउट रहता है कि हम यहाँ पर पेज बना लिए, हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करें, लेकिन व्यूज़ कहाँ से लाएं, तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि जो फेसबुक का पूरा एल्गोरिदम है ये यहाँ पर शेयरिंग में ही काम करता है। अब हालांकि फेसबुक यहाँ पर खुला छूट नहीं देता कि आप शेयरिंग करो, क्योंकि इससे अगर आप ऐसे ही अनयूजुअल शेयरिंग करते हैं तो आपको इशू आ जाता है, लेकिन रियलिटी यही है कि यहाँ पर शेयरिंग से ही व्यूज़ आते हैं, यूनियन कॉन्टेंट हो या फिर कॉपी पेस्ट कॉन्टेंट हो। तो मैं क्या करता हूँ, जितनी भी अपनी मूवी क्लिप को अपलोड करता हूँ तो मैं यहाँ पर उसी टाइप के ग्रुप में शेयर करना पसंद करता हूँ जिस टाइप के ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं। मान लीजिए मूवी क्लिप के लिए, तो मैं मूवी क्लिप के ग्रुप को शेयर करता हूँ, ऐसे किसी ग्रुप में शेयर नहीं करता जहाँ पर कोई अलग कॉन्टेंट शेयर किया जाता हो। तो इस हिसाब से मेरे व्यूज़ आते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ, टारगेट करता हूँ फ्री आर्ट अप्रूवल ग्रुप के लिए। तो मैं यहाँ पर YouTube में सर्च करता हूँ, जैसे कोई भी मूवी क्लिप का ग्रुप हो गया उसका मैंने नाम सर्च किया, और नाम सर्च करने के बाद मैं वहाँ पर देखता हूँ कि वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट ग्रुप है तो वो यहाँ पर हो सकता है पेड हो सकता है तो पैसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे ग्रुप को देखता हूँ जो पब्लिक ग्रुप हों और उनमें डेली की पोस्ट यहाँ पर कम से कम 10-12 पोस्ट होनी चाहिए, तो वही ग्रुप को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ अपने शेयरिंग के लिए। ओके, और दोस्तों हमारा लास्ट वाला वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आया था कि आप लोग रेंटेड वाले ग्रुप और फ्री ग्रुप्स को कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे उसमें अपनी वीडियो को शेयर करके बूस्टअप दे सकते हो अपनी वीडियो को, ठीक है? तो उसके ऊपर पूरा मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो यार कल ही अपलोड किया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देख सकते हो। एंड फ्री और पेड दोनों ग्रुप के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था। ओके शिवम भाई, अब हम बात करते हैं कि हम लोग कॉपीराइट और जो भी ये पेज रिस्ट्रिक्टेड होता है या फिर जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आता है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो इससे बचने के लिए भाई सबसे मेन चीज यही होती है कि पहले तो आप यही चीज कीजिए कि ये इशू आए ही नहीं, आपको पहले ऐसे एडिट ही करना है कि ये इशू ना आए। लेकिन जनरली जो इशू आता है वो आता है पॉलिसी इशू का मतलब ये होता है कि आप अगर दूसरे के कॉन्टेंट को यूज करें, पॉलिसी इशू किसी भी टाइप से आ सकता है, अगर आप अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आप अपने एडमिन को बार बार चेंज कर रहे हैं, आप अपने पेज को सेल कर रहे हैं तो आपने 4-5 बार एक ही दिन में एडमिन को चेंज किया, या फिर आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट आपका मैच हो गया, तो इस हिसाब से पॉलिसी इशू तो एक नॉर्मल इशू होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं कि अपने कंटेंट को डिलीट करके आपको 10 से 12 दिन तक लाइव आना पड़ता है और फिर वो इशू आपका हट जाता है। लेकिन अगर आपके पेज में यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आ गया या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आ गया, तो मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आने में थोड़ा उसमें टाइम लगता है, हो सकता है वहाँ पर 15 से 20 दिन लग सकते हैं उसको हटाने के लिए। तो हमारा मेन प्रोसेस जो इशू हटाने का यही रहता है कि हम कंटेंट को डिलीट करके 4-5 दिन लाइव आते हैं तभी यहाँ पर वो इशू हट पाता है।
ओके, तो दोस्तों भाई ने यहाँ पर सारा चीजों का खुलासा कर दिया है। इसके लिए भाई लाइक बनता है, एंड जो लोग भी चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग 1 लाख के बहुत ही ज्यादा करीब है। ओके शिवम भाई, अब हम लोग बात करते हैं कि हम अपने पेज के ऊपर फॉलोअर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यार देखा जाए तो व्यूज तो आ जाते हैं बट फॉलोअर्स का क्राइटेरिया बहुत लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ टिप्स बताओ शानदार, तो यार मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए शुरू में जैसे मैं किसी पेज को क्रिएट करता हूँ तो फॉलोअर बढ़ाने का मेरा मेन चीज तो ये होता है कि पहले उनको इन्वाइट किया जाए। तो फेसबुक की एक लिमिट होती है कि आप अपने फ्रेंड को 2000 तक ही आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वही फ्रेंड फिर यहाँ पर आपके फॉलोअर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपका पेज है उसको अपनी प्रोफाइल में जितने भी दोस्त होते हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल से पेज ऐड होता है तो आपके प्रोफाइल में जितने भी दोस्त होंगे उनको आप अपने पेज को इनवाइट करने के लिए भेज सकते हैं। तो एक तरीका मेरा ये होता है कि आप इससे मान लीजिए कि 2000 नहीं सही, तो आपको 500-600 फॉलोअर तो इजीली मिल जाते हैं जो आपके फ्रेंड रहते हैं इनवाइट करने से। इसके बाद मेरा दूसरा तरीका होता है यहाँ पर टारगेट करने का, किसी भी चीज़ को कमांड करने का। मतलब मैं यहाँ पर पोस्ट को अपलोड करता हूँ जहाँ पर मैं इस चीज़ को टारगेट करता हूँ, जैसे दो सेलिब्रिटीज़ का मैंने कंपेरिजन कर दिया, फिर वहाँ पर मैंने कह दिया इसको फॉलो करो, इसको इसके लिए यहाँ पर कमेंट करो। तो इस हिसाब से जैसे मैं कोई भी पोस्ट होगी, जैसे क्रिकेटर की पोस्ट होगी या फिर और किसी एक्टर की पोस्ट हो गई, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर कंट्रोवर्सी वाली चीज़ों को बीच में लगा करके, जैसे इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, लाइक करें, फॉलो करें, तो पोस्ट को मैं यहाँ पर लिख करके यहाँ पर प्रमोट करता हूँ। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर यहाँ पर फॉलो करते हैं। और इसके बाद मेरा तीसरा जो सबसे मेन तरीका होता है वो होता है रील से फॉलोअर गेन करने का। अब इसको बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हम रील से फॉलोअर कैसे बढ़ा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि लोग यहाँ पर रील्स अपलोड कर देते हैं, सोचते हैं ऐसे फॉलोअर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपने पेज में यहाँ पर रील्स अपलोड करते हैं उसमें अगर 8,000, 9,000, 10,000 व्यूज आने लगे तो जितने लोग लाइक करते हैं तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन जाता है कि आपकी रील्स को इतने लोगों ने लाइक किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहीं पर क्लिक करके उन सभी को आप इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही तरीका आजमाता हूं, जैसे मेरे किसी रील्स में 5,000 लाइक आ गए तो उन 5,000 को हम वहीं से यहां पर इनवाइट कर सकते हैं लाइक के सेक्शन से, और इस ट्रिक को बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो ये मेरे 3 तरीके रहते हैं जिससे मैं फॉलोअर को कंप्लीट कर पाता हूं। क्या बात है, और दोस्तों काफी ज्यादा तगड़ा यहां पर भाई ने वैल्यू दिया है। तो भाई लाइक बनता है इसके लिए, क्योंकि शिवम भाई ने सारी चीजों का आपका सॉल्यूशन बताया। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, काफी सारे लोग कहते हैं कि वीडियोस वायरल नहीं हो रहे, तो सारा चीज का सॉल्यूशन शिवम भाई ने बताया। बाकी शिवम भाई यहाँ पर मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि अभी के टाइम में फेसबुक के काफी सारे अपडेट्स आते रहते हैं और काफी सारे लोगों को लगता है कि वो अब कॉपी पेस्ट करके अर्निंग नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहो ऑडियंस के लिए। बिल्कुल भाई, जैसे कि ये चीज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि फेसबुक में अगर कॉपी पेस्ट बंद हो जाएगा तो फेसबुक ही आप समझ सकते हैं कि बंद ही हो जाएगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जो मार्क जकरबर्ग यहाँ पर टेंशन में आ गए थे कि हमारा फेसबुक इतना पीछे क्यों हो जा रहा है। फिर जब उन्होंने मेटा को वहाँ पर लॉन्च किया तो मेटा क्या करता था कि जितनी भी रील्स होती हैं, जितनी एंगेजमेंट वाली, उनको ज़्यादा प्रमोट करता था, कॉपी पेस्ट को भी यहाँ पर अप्रूव करने लगा। तो आप अगर अभी भी फेसबुक को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट वाले 90% कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। तो जितने भी ऑडियंस यहाँ पर डाउट में रहती है कि कॉपी पेस्ट बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हो सकता है कि ओरिजिनल क्रिएटर को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाए, लेकिन कॉपी पेस्ट वाले को भी उतनी कम वैल्यू भले ही दी जाएगी, लेकिन अर्निंग दोनों की होने वाली है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, और शिवम भाई काफी सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि उनका अर्निंग तो डैशबोर्ड में शो करता है बट वो उनके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, तो ये चीज ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए फेसबुक में बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो क्या होता है कि ये अपडेट को रोल आउट करने में क्या होता है, कुछ लोगों को अपडेट पहले दे देता है और कुछ लोगों को अपडेट यहाँ पर बाद में दे देता है। जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे साथ यहाँ पर 10-12 पेज हैं, तो कभी कभी कुछ अपडेट मेरे दूसरे पेज में आ जाते हैं लेकिन पहले अपडेट में नहीं आते हैं कि ये चीज आज से लागू होने वाली है। तो ये चीज कभी ट्रायल वर्जन में फेसबुक रोल आउट कर देता है तो किसी किसी क्रिएटर को ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ओके, थैंक यू सो मच शिवम भाई, आपने काफी कुछ बताया यार। बाकी शिवम भाई वीडियो के एंड में अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए और कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करिए भाई। तो दोस्तों आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉपी पेस्ट वर्क करना चाहते हैं या फिर ओरिजिनल कंटेंट में काम करना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर इनकी जो पॉलिसी इशू होती है इनको आपको समझना पड़ेगा कि हमको अगर कॉपी पेस्ट करना है तो किस टाइप से कॉपी पेस्ट करना है, और अगर ओरिजिनल कंटेंट डालना है तो भी किस टाइप से चेक करना है कि हमारा ओरिजिनल कंटेंट ही होना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप अगर खुद का वीडियो भी डाल रहे हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने YouTube से अपने वीडियो अपलोड किए, अब आपकी वीडियो को अगर किसी और ने यूज़ किया है तो वो आपको यहाँ पर स्ट्राइक दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इन सब चीज़ों को पहले से पता होना चाहिए ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके, थैंक यू सो मच शिवम भाई अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। बाकी वीडियो के एंड में यही कहूंगा कि अगर आप लोग वेबसाइट से पैसा कमाना चाहते हो तो आप लोग ये वाला वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।